एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या में। सबसे पहले हम 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग 16 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकेंगे उन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द खालिस्तान कॉन्स्पोरेसी पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो GBS सिंधु ने द खालिस्तान कॉन्स्पोरेसी पुस्तक लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो लॉस एंजल्स लेकर्स ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ऑक्सफेम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 129वें स्थान पर रहा है और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार पर अर्थशूट प्राइस की शुरुआत की है? तो ब्रिटेन देश के प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार पर अर्थशूट प्राइस की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल नॉन वॉयलेट फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसको मिला है? तो निक्की नेगी को ग्लोबल नॉन वॉयलेट फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो हाल ही में पाकिस्तान देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? तो हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य की बच्ची सानवी एम प्राजित ने एक घंटे में 33 डिशेज बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो केरल राज्य की बच्ची सानवी एम प्राजित ने एक घंटे में 33 डिशेज बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अब हम लोग 16 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हेल्थ इमरजेंसी लगी है? तो हाल ही में फ्रांस देश में हेल्थ इमरजेंसी लगी है। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो फ्रांस सरकार ने देश में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और पेरिस समेत कुल 9 शहरों में रात 9 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाया गया है? तो ग्लोबल हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर को मनाया गया है। 15 अक्टूबर को 2 और इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2020 की थीम क्या है? हैंड हाइजीन फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि सभी को हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। हमें तय कर लेना है आज से कम दिन भर में हमें अपने हाथों को 6 बार धोना है। सिर्फ कोरोना से बचने के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर की बीमारियों से दूर रहने के लिए भी हमें अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए। अब 15 अक्टूबर को और कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दुनिया भर में 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी मनाया जाता है। हर साल 15 अक्टूबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2010 में 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 79वें जन्म दिवस पर हर साल विश्व छात्र दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 2002 से 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। 15 अक्टूबर को एक और दिन मनाया जाता है, वो कौन सा है? वर्ल्ड रूरल वीमेन डे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिन में 12,000 किलोमीटर उड़कर किस चिड़िया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वार टेल्ड गॉटविट नाम की चिड़िया ने 11 दिन में 12,000 किलोमीटर उड़कर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब इस चिड़िया के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो चिड़िया ने यह दूरी अलास्का से न्यूजीलैंड के बीच तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चिड़िया को ट्रैक करने के लिए
वैज्ञानिकों ने उसके शरीर के पीछे हिस्से पर सैटेलाइट टैग लगाया। माइग्रेशन पर रिसर्च करने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी कॉनक्लिन कहती हैं कि गॉडविट का शरीर लड़ाकू विमान जैसा है और लंबे नुकीले पंख उसे हवा में तेज उड़ने की क्षमता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य में एम श्रावणी एक दिन के लिए कलेक्टर बनाई गई हैं? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में एम श्रावणी को एक दिन के लिए कलेक्टर बनाया गया था। अच्छा, आंध्र प्रदेश के किस जिले में बनाया गया था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एम श्रावणी को एक दिन की कलेक्टर बनने का मौका मिला। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा 16 साल की श्रावणी ने इस दौरान दो महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए और शहर का दौरा किया। श्रावणी के पिता एक किसान हैं और माँ मजदूरी करती हैं और उसे कलेक्टर बनने का अवसर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को एक विशेष योजना के तहत मिला था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य ने बछड़ा कंजर समुदाय को मुख्य धारा के समाज से जोड़ा है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने बछड़ा कंजर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ा है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस ने बछड़ा और कंजर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अहम पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत इस समुदाय के युवाओं को निजी कंपनियों के मुफ्त प्रशिक्षण एवं रोजगार दिया जाएगा। राज्य सरकार ने कंजर समुदाय के लोगों को इस पहल की शुरुआती चरण में 100 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत पे के टीवी अभियान टीम भारत पे ने कितने क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 11 क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, ये 11 क्रिकेटर हैं कौन, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। भारत पे ने अपनी टीवी अभियान टीम भारत पे के लिए 11 क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और टीम भारत पे में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना इत्यादि क्रिकेटर शामिल रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सी को किस राज्य में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करेगा? तो पेप्सी को उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करेगा। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पेप्सिको कंपनी ने उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन स्थापित करने के लिए 814 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 35 एकड़ भूमि पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने का निर्णय किया है। इस साल के मध्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1500 संरक्षकों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हुआ है, वे कौन थीं? तो वे एक गायक थीं। इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हुआ है, जिन्हें गुजरात में नाइटिंगल ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता था। अच्छा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देश के लिए पहला ऑस्कर जीतने वाली भानु अथैया का कितने साल की उम्र में निधन हुआ है? तो देश के लिए पहला ऑस्कर जीतने वाली भानु अथैया का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो 1983 में डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर अवार्ड जीतने वाली भानु अथैया का गुरुवार को निधन हो गया है। वे 91 साल की थी। भानु ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर 100 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाओ की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? तो फाओ की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएम मोदी ने 75 रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पीएम मोदी ने 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 75 रुपए के स्मारक सिक्के को जारी किया है। खाद्य एवं कृषि
संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है। और खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और मालदीप ने ग्रेटर मालिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर के LOC पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 400 मिलियन डॉलर के LOC पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत और मालदीप ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 400 मिलियन डॉलर के LOC पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर एक्सिम बैंक के महाप्रबंध और मालदीप के वित्त मंत्री इब्राहिम आमिर ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उबर के साथ समझौता किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।